हेलो फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर स्वागत है हमारे इस चैनल पर जो आपको दुर्लभ सिक्के और नोटों की वीडियो दिखाता है। आज हम आपको दिखाने वाले हैं 1 रुपये के 8 प्रकार के सिक्के। वैसे और भी प्रकार के होते हैं, लेकिन हमारे पास 8 प्रकार के हैं। हम आपको 8 प्रकार के दिखाएंगे। देखिए, जिसमें सबसे पहला नंबर है इस सिक्के का, जो नंबर 1 पर रखा गया है। ध्यान से देखिए सिक्के को। इस सिक्के की बनावट काफ़ी अच्छी है। ये 1982 का बनाया गया है और इसकी ढलाई भी काफ़ी अच्छी की गई है। देखिए, हम आपको इसका बैक साइड दिखा देते हैं। देखिए, इसका बैक साइड काफ़ी सिंपल है, लेकिन काफ़ी खूबसूरती से बनाया गया है। देखिए सामान, देखिए इस पूरे सिक्के को आप देख लेंगे, अपने आप समझ जाएंगे। आप बहुत होशियार हैं, हमारे व्यूवर्स बहुत अच्छे हैं। अब देखिए, ये दूसरे प्रकार का सिक्का है जो दूसरे नंबर पर रखा गया है। ये 1985 में बनाया गया है। ये इस सिक्के की तरह ही दिख रहा है ज़्यादातर। देखिए, सेम टू सेम वही सिक्का दिख रहा है, बस आकार में थोड़ा छोटा है और इसकी बनावट पे षटमुखी बनाया गया है, 6 भुजाओं वाला। 1985 का ये सिक्का है और आपको इसकी बैक साइड दिखा रहे हैं। ये बैक साइड भी बहुत सिंपल है इसकी, बस सेम टू सेम वही चीज़ है, बस इसमें षटभुज बना हुआ है। अब आते हैं तीसरे नंबर के सिक्के पर। ये तीसरे नंबर का सिक्का है। देखिए, इसकी बनावट थोड़ी अलग है। इसमें भी षटभुज बना हुआ है किनारों पर, और एक तरफ हिंदी में लिखा है, एक तरफ इंग्लिश में, और इसकी बनावट में 1 रुपया यहाँ बनाया गया है। इसमें इसकी बनावट में 1 रुपये का सिक्का यहाँ बनाया गया है, 1 रुपया। देखिए, इसमें ये थोड़ा विशिष्ट प्रकार का सिक्का है, ये बहुत दुर्लभ हो चुका है इस टाइम। ये देखिए, छोटे किसान लिखा है, स्मॉल फार्मर, जो धान की खेती कर रहे हैं। ये 1987 का सिक्का है। यहाँ देखिए, ये हमारे यहाँ का राष्ट्र चिन्ह है धान के लिए। वैसे मुझे इसके बारे में ज़्यादा कुछ जानकारी नहीं है। अब देखते हैं दूसरे प्रकार का सिक्का। ये सिक्का इस सिक्के से बहुत मिलता जुलता है, फ्रंट साइड से बहुत मिलता जुलता नहीं है, सेम वही चीज़ है। देखिए, पर इसके बैक साइड पे भारतीय रिजर्व बैंक लिखा हुआ है, भारतीय रिजर्व बैंक। ठीक है, ये भारतीय रिजर्व बैंक कब से चालू हुआ और कब तक चला? 1935 से चला और 2010 में ख़त्म हुआ। ये सिक्का बनाया गया है, काफ़ी खूबसूरती से बनाया गया है। देखिए, ये शेर है और ये पेड़ है यहाँ पे। अगला सिक्का है हमारा। ये सिक्का भी इससे मिलता जुलता है, इसीलिए हमने इन 4 सिक्कों को एक जगह चौथे नंबर पर ही रखा है, 3 सिक्कों को, सॉरी। देखिए, ये 1 रुपीज़ है, बिल्कुल सेम टू सेम इसके ऐसा ही हिंदी में इंग्लिश में बनाया गया चिन्ह। आगे देखिए, ये बनाया गया है, इस पर लिखा है तमिल सम्मेलन, मतलब विश्व, इस पर लिखा है विश्व तमिल सम्मेलन। ये तमिल सम्मेलन का बनाया गया सिक्का है। ये तमिल सम्मेलन की यादगार में बनाया गया है। ये 1995 में बनाया गया था, जो संत तिरुवित्तमपुरम के हैं। ये संत तिरुवित्तमपुरम हैं, देखिए ज़रा ध्यान से इन्हें। अब हम अपने अगले सिक्के की तरफ बढ़ेंगे। ये हमारा अगला सिक्का है। देखिए, ये हमारा अगला सिक्का, ये भी बिल्कुल उसी की तरह बनावट में है, बस इसके पीछे का सिक्का भी बहुत रेयर है। इसके पीछे का शेप देखिए ज़रा ध्यान से। इसके पीछे के शेप पर एक बुज़ुर्ग आदमी छापे गए हैं, जो लोकनायक रह चुके हैं, ये जन्म शताब्दी का सिक्का है इनकी, जन्म शताब्दी, लोकनायक जयप्रकाश नारायण इन बुज़ुर्ग का नाम था। अब हम अपने अगले सिक्के की तरफ बढ़ते हैं। ये सिक्का तो आपने बहुत सी जगह देखा होगा। 1998 का बनाया हुआ सिक्का है, काफ़ी अच्छा सिक्का था ये भी, और इसकी बैक साइड भी
सेम थी हमारे पहले नंबर के सिक्के की तरह। देखिए अब हम अपना आपका ज़्यादा समय व्यस्त ना करते हुए आगे चलते हैं। देखिए इस सिक्के को ज़रा ध्यान से देखिए, सिक्का भी आपने काफ़ी जगह देखा होगा क्योंकि ज़्यादा पुराना नहीं हुआ है, 2005 का बनाया हुआ सिक्का है ये। इसकी बैक साइड कुछ इस प्रकार की है, देखिए ज़रा ध्यान से। 1 रुपीज़ 1 रुपीज़ ये बनाया गया है इस प्रकार का। ये देखिए ये सिक्का भी आपने काफ़ी जगह देखा होगा, 1 रुपीज़ ऑल द बेस्ट साइन दिया गया है। और ये किसी लेडीज़ का हाथ है क्योंकि यहाँ चूड़ियाँ बनाई गई हैं इसी वजह से। देखिए 1 रुपीज़। इसकी बैक साइड आपको दिखा दें, इसकी बैक साइड कुछ इस प्रकार की है जो अभी तक काफ़ी विशिष्ट है, औरों में नहीं देखी गई है। ये 2010 का बनाया गया सिक्का है। अब हम अपने आखिरी सिक्के पर आते हैं। ये सिक्का तो आपने देखा ही होगा, हालांकि 2017 का बनाया हुआ सिक्का है ये। ये सिक्का काफ़ी खूबसूरती से बनाया गया है 5 रुपये की नकल की वजह से। देखिए ये देखिए, काफ़ी रेयर नहीं है मतलब काफ़ी अच्छा बनाया गया सिक्का है। इसमें हम काफ़ी तरीके से देख सकते हैं, और ये आकार में सबसे छोटा सिक्का है, ये वाला आकार में सबसे छोटा सिक्का है। हम आपको फिर से सारे सिक्कों की वीडियोस दिखाएंगे बैक साइड से ही, हम आपको बैक साइड की वीडियोस दिखाएंगे सारे सिक्कों की। देखिए ये हमारे सारे सिक्के हैं फ्रेंड, बैक साइड है ये हमारे सिक्कों की, काफ़ी खूबसूरती से बनाया गया है इन सिक्कों को, बहुत खूबसूरती से। आपको फ्रंट साइड भी एक बार हम दिखाना चाहेंगे। देखिए ये फ्रंट साइड से हमारे सिक्के हैं, अगर आपको इस वीडियो में कोई कमी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट दिस वीडियो, एंड अगर आपको अच्छा लगा हो तो अगर आपको अच्छी लगी हो हमारी ये वीडियो तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे चैनल तो सब्सक्राइब कीजिए, हम आगे और भी लेकर आएंगे बहुत अच्छी इस वीडियो। तो अभी के लिए धन्यवाद, प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल।